सुपर मारियो वीडियो गेम की थीम पर गणपति बप्पा या वीडियो गेम खेलते हुए विराजित हुए हैं गजानन, और मूषक भी वीडियो गेम खेलने का लुत्फ उठा रहा है। विनायक सुपर मारियो गेम के थीम से सजे हुए पंडाल में दर्शक के रूप में बाल हनुमान आइसक्रीम खाते हुए श्री कृष्ण पिज्जा का लुत्फ लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग भगवानों को अलग अलग स्वरूप दिया गया है। मौजूदा जो वक्त है उसके अनुसार उनको पंडाल में थीम के तहत सजाया गया है। सुपर मारियो वाले गणपति बप्पा पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिलासपुर के राज किशोर नगर बीते 30 सालों से तलरीजा परिवार तीन पीढ़ियों से करंट अफेयर्स और बच्चों के स्पेशल क्रेज को ध्यान में रखते हुए गणेश जी की स्थापना करते हैं। इस बार भी तलरीजा फैमिली ने सुपर मारियो थीम में गणेश जी को विराजमान किया है। मारियो थीम में गणेश के साथ हनुमान और श्री कृष्ण के बाल स्वरूप मूर्ति स्थापित है। पंडाल में मारियो और परियों के कटआउट्स भी लगाए गए हैं। पंडाल में बच्चों की भीड़ उमड़ रही है। तो बप्पा के रूप आपने अलग अलग देखे होंगे। देश के अलावा बिलासपुर और पूरे छत्तीसगढ़ में बप्पा अलग अलग रूप में विराजमान हैं। हम इसी तरीके से एक खास मूर्ति हम आपसे आपको रूबरू कराएंगे कि जहां बिलासपुर में कि राजकिशोर नगर में तलरेजा फैमिली पिछले तीन पीढ़ियों से यह बप्पा को अलग अलग रूप में स्थापित कर रही है। लेकिन इस बार हम बात इसलिए कर रहे हैं कि गणपति बप्पा मारियो के रूप में विराजमान है। जो मारियो गेम जो बचपन में खेला करते थे, सीधे तौर पे आप तस्वीर देख करके ही आप अंदाजा लगाए कि किस तरीके से वीडियो गेम जब हम खेला करते थे बचपन में, और उसी तरीके से गणपति बप्पा भी मारियो खेल रहे हैं। और मारियो गेम के जितने भी लेवल है, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, जितने भी लेवल है, वे अलग अलग तरीके से थीम के तौर पे परिवार के लोगों ने डेकोरेट किया हुआ है। और यही वजह है कि पूरे बिलासपुर और पूरे छत्तीसगढ़ में अब ये थीम की चर्चा जोरों पर हो रही है। बकायदा गणपति बप्पा के हाथ पे रिमोट कंट्रोल है और ये रिसीवर है, इसके साथ ही जो मूषक है उनके हाथ पे भी जो रिमोट है वो है। और यही वजह है कि मारियो का जो गेम है पूरे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के तलरेजा फैमिली के बैठाए हुए थीम की चर्चा खास तौर पे हो रही है, और ये आकर्षण का केंद्र भी बिलासपुर में देखने को मिल रहा है। इस मूर्ति के साथ ही अगर हम आकर्षण की बात करें तो उनके साथ में मारियो गेम को देखते हुए कृष्ण जी और हनुमान जी, बाल हनुमान है, वो आइसक्रीम खाते हुए और पिज्जा खाते हुए लुत्फ उठा रहे हैं। और मारियो गेम जो है वो खास तौर पे जो गणपति जी खेल रहे हैं वो देख रहे हैं। तलरेजा फैमिली इस वक्त हमारे साथ है। अलग अलग थीम, अलग अलग कटआउट है वो बनाए गए, उनसे सीधे तौर पे जानेंगे कि आखिर कब से वो इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं, किस अंदाज में यहाँ गणेश बैठा रहे हैं। आप लोग 30 साल हो गए हम लोग को, गणपति बप्पा मेहरबानी हुई है, हम लोग को आशीर्वाद दिए हैं। तलरेजा परिवार तीन पीढ़ियों से हो रहा है ये, और आगे भी बनी रही भगवान की, तो आगे भी चौथी भी पीढ़ी भी देखेगी। हमेशा अलग अलग टाइप के गणेश जी का सेटअप रहता है हम लोग के इधर। लास्ट टाइम जुरासिक था, एक बार तारक मेहता था, इस बार मारियो है। एक्चुअली ये सब बप्पा की कृपा है, जो मतलब इस साल का होता ही नहीं है तो नेक्स्ट ईयर का भी थीम माइंड में आ जाता है। बट ये है कि वो साल भर से तैयारी वो दिमाग में चलता ही रहता है, लास्ट के 2-3 मंथ से तो जोरों शोरों से तैयारी चलती है। मैं तो बचपन से देखते आया हूँ कि मेरे पापा दादू ये सब हमेशा से लगाए जा रहे हैं, और ये सब देख के मेरे को भी खुशी मिलती है कि जो दुनिया में चल रहा है उसी के रिलेटेड मेरे पापा दादू ये सब लगाते हैं। और मेरा भी यही मन है कि मैं अभी आगे चल के ऐसे ही कुछ अच्छे गणपति रख सकूं। तो देखिए तीसरी पीढ़ी है, और कहीं ना कहीं तीसरी पीढ़ी हर बार ये कोशिश करती है कि जो ट्रोल हो रहा है, जो क्रेज है इन दिनों का, उस पर खासतौर पर गणपति बप्पा को बिठाया जाए। ये वॉल है, वॉल पे भी आप साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से मारियो गेम खेलते हुए किस तरीके का लेवल है वो क्रॉस होते हैं, उसके बाद में उसको पूरा किया गया ताकि कहीं ना कहीं लोगों को भी एक आकर्षण का केंद्र बने, लोग पहुंचे, अपनी सेल्फी लें और शेयर करें। यही वजह है कि देश, पूरे भारत, छत्तीसगढ़ से लोग बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कैमरामैन आशीष श्रीवास के साथ संदीप करिहार, NH24 बिलासपुर।